भारत में आंदोलन को गांधी जी ने किया क्या था कि सबसे पहले उन्होंने भारत में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। वह राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था और उस आंदोलन में उनको बहुत हद तक सफलता मिली थी। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के अंतर्गत सफलता नहीं मिली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उनको सफलता इसलिए मिली क्योंकि कोई भी एक आंदोलन एकाएक पूर्ण नहीं होता। जैसे हम अगर सामान्य संबंधों में देखें तो कोई कहे कि अगर विवाह छेका के दिन हो जाए तो संभव नहीं है। छेका अलग होता है, तिलक अलग होता है और विवाह अलग होता है। तो वैसे ही आज़ादी के लिए महात्मा गांधी का अगर असहयोग आंदोलन माना जाए मोनू जी कि छेका था तो तिलक सविनय अवज्ञा आंदोलन था और बारात था आपके भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरीके से महात्मा गांधी कई तरीके अपनाकर और देश को आजादी की ओर लेकर गए। वह क्या था कि उन्होंने 1920 में जो असहयोग आंदोलन किया, उन्होंने 5 फरवरी के चौरी चौरा दुर्घटना के बाद उससे दुखी हो गए और उन्हें स्पष्ट हो गया कि उनका चौरी चौरा जो दुर्घटना है अंग्रेज शायद दबाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करेंगे और भारत के लोग जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो हट जाएंगे और भारत के लोग जब हट जाएंगे तो निश्चित रूप से इसे आगे और मजबूत ढंग से नहीं चलाया जा सकता है। महात्मा गांधी ने 13 फरवरी 1922 को सहयोग आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें एक और झटका मिला और मुस्लिम लीग ने स्पष्टतः घोषणा कर दी कि हम कांग्रेस से अब अलग हो रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ इसलिए काम कर रही थी कि उसे मुसलमानों को एकत्रित करना था। जैसे कद्दू का पेड़ हो और कभी भी वो अपने ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए किसी और का सहारा ले लेती है, मुस्लिम लीग भी इसी प्रकार की पार्टी थी। उसे ये भली भांति पता था कि हम अपने से तो तरकुल के पेड़ पर और पीपल के पेड़ पर जा नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का सहारा लिया कि उनके कंधे पर जो है चढ़कर ऊंचाई को हम प्राप्त कर सके और अपनी सुरक्षा और संरक्षा दे सके। इसी उद्देश्य से मुस्लिम लीग ने 1916 में कांग्रेस के साथ हो गई और गलती से कांग्रेस को लग गया कि मुस्लिम लीग साथ हमारे हैं। आपको थोड़ा सा स्पष्ट मैं कर दूं कि इस्लाम में जो चीज़ें लिखी गई है अगर उसको हिंदू नहीं समझ पाते हैं या अन्य धर्म के लोग नहीं समझ पाते हैं तो यह उनकी मूर्खता है। मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि ईसाई लोग समझ गए कि इस्लाम है क्या। इस्लाम में स्पष्टता है, मुस्लिम लोग भी देख रहा होगा तो जानता होगा, किसी भी शर्त पर सारे पृथ्वी को इस्लाम में बदलना चाहते हैं क्योंकि उनके धर्म में लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस पूरे धरती पर जो है इस्लाम इस्लाम हो जाएगा और उस इस्लाम इस्लाम को करने के लिए हमें जो करना है करना चाहिए, चाहे संघर्ष करना हो, छल से दुश्मनों को मारना हो या फिर कपट करना हो। जैसा कि आप जानते हैं कई मुस्लिम वक्ताओं ने ऐसा कहा है और मैंने ऐसा सुना है। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से जब इस्लाम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं तो अपने राज्य की स्थापना के लिए भी वो कुछ भी कर सकते हैं। और जिन्ना यही काम कर रहा था कि बड़े पैमाने पर जो है इस्लाम की स्थापना के लिए कदम उठा रहा था और लोग समझ नहीं रहे थे, लोग समझ रहे थे कि उसके साथ यदि हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम एकता की बात होगी। एक ध्यान रखेंगे, कभी भी इस देश में तब तक एकता रहेगी जब तक कि सनातन भी मजबूत रहेगा। जिस दिन सनातन कमजोर हो गया उस दिन एकता और गंगा जमुना संस्कृति खत्म, एकदम कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ। और नहीं विश्वास हो तो आप कश्मीर में जाके शंख बजा के दिखा दीजिए। कोई अगर कहता है मजबूत मुसलमान कि नहीं नहीं हम बजवा देंगे तो चलिए भाई हमारे साथ, हम भी चलेंगे आपके साथ, ऐसा संभव ही नहीं है। आगरा में भी वही कंडीशन है, आप शंख नहीं बजा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं और मैंने तो कई बार झेला भी है, कई बार देखा भी है और अपने साथ भी इस प्रकार की कई घटनाएं हुई है। तो मैं बता रहा था वही कि कांग्रेस ने यहाँ सबसे बड़ी गलती की थी, एक बहुत बड़ी भूल की थी कांग्रेस ने कि वो मुस्लिम लीग को अपने साथ लगा दी। महात्मा गांधी भी ये स्वीकार करते हैं कि जीवन में मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। एक ध्यान रखिएगा, संस्कारियों को और संस्कारी लोग बनने के लिए बात करता है, इसलिए इस जगत में अगर आप संस्कारी बनते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। शिक्षक होकर मैं नहीं, एक प्रतियोगिता के शिक्षक होकर मैं बता रहा हूँ, आज के युग में संस्कारी होना ही नहीं है।
वह सभी काम करो जिससे तुमको फायदा हो, दुनिया का हानि मत पहुंचाओ। ये मैं नहीं कहूंगा किसी के नुकसान पहुंचाओ, लेकिन अपने किसी भी फायदा के लिए तुम पीछे मत हटो। और दुनिया जब राम को छोड़कर नहीं कि आज तक प्रश्न कर रही है त्रेता के व्यक्ति को कि सीता को क्यों जंगल छोड़ दिए और अग्नि परीक्षा लिए, सीता पर प्रश्न ये करती है कि राम और सम्यक यज्ञ कर रहे थे तो अपने पुत्र से क्यों रथ रुकवा दी। तो जब राम और सीता जैसे इस पूरे ब्रह्मांड के उससे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं हुआ, न कोई देवता हुए, और उन पर जब प्रश्न उठा सकती है तो हम किस खेत के गाजर मूली है भैया। तो सबके साथ यही होगा, प्रश्न उठते रहेंगे, इसलिए उन प्रश्नों से परेशान नहीं होना है। महात्मा गांधी पर ये प्रश्न जानते हैं सबसे बड़ी कब उठा था, जब महात्मा गांधी ने कहा था रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, तो उन पर दबाव पड़ गया कि आप रघुपति राघव क्यों गा रहे हैं। अरे भाई व्यक्तिगत मेरा धर्म है, व्यक्तिगत धर्म और राजनीतिक कार्य में अंतर नहीं होता है। महात्मा गांधी सफाई दे दिए, फिर भी उनकी बहुत शिकायत की गई। महात्मा गांधी उस शिकायत से बचने के लिए उसने एक शब्द और एक्स्ट्रा जोड़े कि अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सब पोषण मति दे भगवान। बताइए कहीं कोई दूसरे धर्म के लोग ऐसा कहता है क्या कि राम अल्लाह एक ही नाम कह दे, वो नहीं कहते हैं। बस हम ही लोग मिलाने वाला काम केवल करते हैं। और गांधी जी ने एक और काम किया, उनको लगा कि शायद ऐसा करेंगे तो शायद अंग्रेजों के खिलाफ हम ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे। तो उन्होंने सबसे बड़ा एक काम कर दिया कि 1919 के खिलाफत आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया। अब खिलाफत आंदोलन भारत के लिए नहीं था बल्कि उन खलीफा के लिए था जो तुर्की में उनकी सत्ता को अंग्रेजों ने छीन लिया था और वहां पर खलीफा के सत्ता को समाप्त कर दिया था। अब खलीफा के सत्ता के समाप्ति हुई थी तो भारत के लोगों को आंदोलन करने की क्या जरूरत थी। वही का व्यक्ति मुस्तफा कमाल पाशा ने जब उनको मार डाला तो भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां थी। महात्मा गांधी जैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में बने, मुस्लिम लीग ने केवल घोषणा कर किया था पहले 1922 में कि हम कांग्रेस से अलग हटते हैं। अब उसने स्पष्टतः यह घोषणा कर दिया कि इधर जाइए, यह घोषणा कर दिया कि न केवल मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से अलग है बल्कि कांग्रेस को अपना दुश्मन मानती है और किसी भी शर्त पर उसकी इच्छा है कि हम कांग्रेस का अंत कर दें। इतना घोषणा कर दी। उसके बाद 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ और 1928 में 3 फरवरी को साइमन आया। 1929-30 में वो बड़े पैमाने पर दौरा किया भारत का, जिसमें देखो हमें जवाहरलाल नेहरू को भी चोटें आई, गोविंद बल्लभ पंत को भी चोटें आई, फिर इसी ढंग से लाजपत राय को तो इतनी जख्म हुआ कि 28 दिन तक बेहोश रहे और कितना इलाज करने के बावजूद भी वो होश में नहीं आया और चल बसे। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई। अतः महात्मा गांधी जी ने तुरंत ही 11 सूत्री मांग की अंग्रेजों के सामने कि आप इस हमारे मांग को मांग लो, हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेंगे। लेकिन जिन्ना तुरंत ही 11 सूत्री के जगह 14 सूत्री मांग किया, जिसमें 3 जो उसकी डिमांड थी बहुत खतरनाक थी और उससे देश को आजादी मिलने के बावजूद भी या स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी बहुत अधिक क्षति होने की संभावना थी, क्योंकि वो चाहता था कि मुस्लिम लीग जो है जो कहे वही हो, उसको विट्टो का अधिकार मिले। आप समझ सकते हैं कि अगर देश आजाद हो जाए और किसी एक पार्टी को यदि विट्टो का अधिकार मिल जाए तो क्या लगता है हम आजाद होकर भी आजाद हो पाते, नहीं हो पाते। तो निश्चित ही जो है अंग्रेज भी इससे अस्वीकार कर दिए और कांग्रेस ने भी कहा कि हम भी आपके 14 सूत्री मांग स्वीकार नहीं करते हैं, न मानते हैं। गांधी जी ने कहा 3 पहला डिमांड तुम अपना हटा दो तो मान लिया जाएगा। इस तरीके से मतभेद उत्पन्न होते रहे। अंततः महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि फिर भी देश को एक बार एक साथ जोड़ने के लिए हमें सबके साथ जोड़ने वाले चीज को लेना होगा। उन्हें देखा अमीर के घर, गरीब के घर, पढ़े लिखे अनपढ़ के घर, शहरी ग्रामीण, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके घर में नमक बहुत आवश्यक है और नमक बहुत महंगा था। मैं आपको बता दूं आज के डेट में मोदी जी ने एक शब्द कहा था और शायद मोदी जी को घाट होना चाहिए, आज उनकी मम्मी ध्यान की है, हीरा बेन जी के आत्मा को भगवान शांति दे, हम लोग चाहेंगे, बहुत अच्छी माँ थी, इतने अच्छे सपूत को दी कि जो देश का प्रधानमंत्री बना और उनके लिए सदा ईश्वर में स्थान जगह दे, शोकाकुल है सारा भारत क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की माँ ही नहीं है पूरे देश की माँ है वो, इतनी अच्छी माँ सबको भगवान दे और
100 वर्ष पूरे कर जा रही है तो देवता से कम नहीं है। अब मोदी जी का थोड़ा सा उपाय कर दिया जाए, वो तो अलग रहा। मोदी जी को भाट होना चाहिए था। भाट मतलब समझते हैं ना, हाँ, कवि, दरवाजा दरवाजा, इतना बढ़िया बोलता है वो। और भाटों का कभी राज होगा देश नहीं, हम सोचे नहीं थे। देश में नेता राज करता है, प्रधानमंत्री राज करता है, भाट राज कर, इतना चतुर आदमी है ये, जिसका जवाब नहीं। और भाट के साथ साथ एक्टर भी है, इतनी भावना से एक्टिंग करता है कि लगता है कि रियल बोल रहा है। उसने थोड़े दिन पहले कहा था हमारी सरकार, इन्हें हमारी नहीं कहता, हमारी सरकार देख लो यूरिया की किल्लत खत्म कर, तुम्हें जितनी यूरिया चाहो, जितनी यूरिया चाहो, हर जगह पर, हर गांव पर आपको मिलेगी, सस्ते दर पर मिलेगी। उसका दाम 273 रुपया है, 274 रुपया में नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा, हमें मिल रहा है ना, 650 में हम एक बोरा मंगाए। अब सीधे डबल में यूरिया मिल रहा है, सारे लोग परेशान है, सारे काला बाजारी कर। अच्छा, वही यूरिया 650 में कैसे आ जा रहा है, 273, 300 रुपया देने पर कह रहा है हेले नहीं है। आज जैसे ही 600 रुपया दीजिए, 50 को आओ दी लिया देता नहीं, तो कर पेवा से यूरिया भगवान जी के पास से ला रहा है, चोरा कर रख ले है, काला बाजारी है। और काला बाजारी में सारे लोग संलिप्त हैं, तो शायद ये चीजें कभी पहले के किसी सरकार में नहीं देखे होंगे आप, जितना कि अभी उद्योगपति, व्यवसायी, मुखिया से लेकर, मैंने क्या बताया, हम जिस जिस के बारे में बोलेंगे सब मेरे दुश्मन होते जाएंगे और कहेंगे कि यूपीएससी पठन पाठन के काम नहीं करते हैं। लेकिन मास्टर वो नहीं होता जो अपने अप्रोच को दाब ले किसी के दबाव में, शिक्षक उसे बोलते हैं जो किसी के दबाव में सामने झुके नहीं। शिक्षक केवल शिक्षा देने का काम करता है, वो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता है। जो गलत होगा उसके बारे में बताया गया एकदम से। जी जी, यही चीज हुआ उस समय में, नमक का थोड़ी सी महंगाई थी, तब गांधी जी पूरे देश भर के आंदोलन चला दिए। आज यूरिया सीधे दोगुना मोल पर बिक रहा है, किसान की चीज, जिसके उपजाएगा धरती के सीना चीर कर, अनाज को हम खाते हैं, हमारा पेट भरता है, आज मेरे शरीर से आवाज निकल रही है, उसमें किसानों की कहीं ना कहीं भूमिका है। उन किसानों को इतना परेशान किया जा रहा है कि डीजल मांगना है, बताइए कैसे पटाएंगे, 250 रुपए घंटा खेत पट रहा है, गेहूं का बिया 40-50 रुपए किलो गेहूं खरीद रहे हैं, डीएपी मांगना है, कैल्शियम मांगना है, सिंपल यूरिया जो है ये भी सीधे डबल रेट पर मिल रहा है। क्या कहा जाए इस देश का, कोई माई बाप नहीं है रे बाप। और प्याज थोड़े हैं कि एक किलो की मिलेगा तो 500 रुपए।